हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण आज इस वीडियो जरिए तुहानू दसन जा रही हाँ जेड़े स्टूडेंट आईटी दा प्लंबर दा कोर्स करके जा रहे हैं कनेडा तो उत्थे जाके बच्चे किवें किवें सैटल हो सकते हैं और उत्थे उन्हां नू किहड़े किहड़े काम करने पैंदे हैं। सब तो पहला जेड़े स्टूडेंट प्लंबर दा कोर्स करके जा रहे हैं इत्थे अपना इंडिया दे विच आईटी दा कोर्स एक साल दा प्लंबर दा जिहड़े स्टूडेंट उधर जा रहे हैं तो उधर उत्थे बच्चों का कनेडा दे विच फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि प्लंबर की कनेडा दे विच बहुत ज़्यादा डिमांड है। हूँ तुम दसन जा रही हूँ तुम्हें उत्थे काम करने पैणगे जिहड़े तां बच्चे इधर प्लंबर का कोर्स करके जा रहे हैं कनेडा में जाके उन्होंने पानी सीवरेज गैस स्प्रिकलर पाइपां नूं कट्टना मोड़ना चूड़ियां पाउणियां ते नक्शे मुताबिक फिट करन दा काम करना पैंदा है। प्रेसर गेज अते वैक्यूम यंत्रां नाल नुक्स लभणा अते त्रुटियां दूर करनियां सिंक ड्रेन जां टॉयलेट ड्रेन दे विच पए नुक्सां नूं दूर करना हुंदा है। खराबी दे कारण पता लाउणे हुंदे हन ते उन्हां नूं ठीक करन दा काम प्लंबर ही करदा है। प्लंबिंग फिक्सचर अते पाइपां दी वैल्डिंग अते रिपेयर करन दा काम भी प्लंबर नूं ही करना पैंदा है। उसारी जां रिपेयर दी अनुमानित लागत कढ़न दा काम भी प्लंबर ही करदा है। अंडरग्राउंड जिहड़ियां ऑयल पाइपलाइनस हुंदियां ने जां गैस दियां पाइपलाइन हुंदियां ने उहनां दा निर्माण दा काम भी प्लंबर नूं ही करना पैंदा है। मीनस कि प्लंबर दे अंडर इन्ने काम आउंदे हन। अगर तुसीं इधरों प्लंबर दा कोर्स करके गए हो तो तुहानूं प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर है तो डेफिनेटली तुसीं ईजली उधर जाके अपने आप नूं सैटल कर सकते हो अते वधिया ढंग दे नाल वधिया इनकम प्राप्त कर सकते हो। साल 2020 दे अकॉर्डिंगली तो तुसीं उधर जाके जिहड़े फ्रैशर ने वह 32,000 कैनेडियन डॉलर इनकम कमा रहे हैं साल की। 3 to 5 years जिन्हां दा एक्सपीरियंस है वह 53,910 कैनेडियन डॉलर एसटीमेटेड कमा रहे हैं साल का अते जिन्हां दे कोल 6 to 8 years का एक्सपीरियंस है वह 93,000 कैनेडियन डॉलर इनकम लै रहे हैं। मीनस के उदो तुहाडा फ्यूचर बहुत ब्राइट है तुसीं वधिया ढंग नाल इनकम प्राप्त कर सकते हो अगर तुसीं प्लंबर का कोर्स करके कनेडा जाके सैटल होना चाहते हो जां तुसीं सैटल हो चुके हो तो डेफिनेटली तुसीं उधर बहुत वधिया ढंग दे नाल अपने आप नूं सैटल कर लोगे। हुण तुहानूं दसण जा रही हां कि कनेडा विच अगर तुसीं प्लंबर का कोर्स करके जा रहे हो तो कि ढंगा द्वारा अपने आप नूं सैटल कर सकते हो। सब तो पहला हैगा जी स्टडी वीज़ा। कनेडा विच बहुत सारे ऐसे ट्रेड स्कूल ने जिहड़े DLA अप्रूवड ने अते उह 8 to 12 months का कोर्स करवाते हैं तो इन्हां विच हर हफ्ते बच्चे 20 hours काम करने की परमिशन मिलती है। यह कोर्स करने तो बाद तुहानू कोई ना कोई इंप्लाई हायर कर लेंदा है 2 years के वर्क परमिट लई अते 2 years के वर्क परमिट तो बाद अगर तुहाडा रिकॉर्ड ठीक रहिंदा है अते तुसीं जनरल आईटी तों 5 bands लए हुए हैं तो तुसीं ईजली अपनी फाइल PR लई अप्लाई कर सकते हो तो यह सौखा ढंग है तुसीं ईजली उधर जाके अपने आप नूं सैटल कर लैंदे हो तो PR लै सकते हो। उस तो बाद अगे है जी वर्क परमिट लई अगर कनेडा का इंप्लायर तुहानू वर्क परमिट ते बुलाउंदा है तो तुहानू किसी तरह की एक्सपीरियंस की लोड़ नहीं तो तुसीं वर्क परमिट ते कनेडा जा सकते हो। अगे है जी मैरिज के बेस से अगर तुहाडा स्पाउस कनेडा दे विच पढ़ रहा है जां काम कर रहा है तो तुसीं स्पाउस वीजे ते भी कनेडा जा सकते हो। अगे है कनेडा दे PNIP प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए तुहाडी IT पास की होनी चाहिए है तुहाडे को 2 years का पेड वर्क एक्सपीरियंस चाहिए है। ये जो पेड वर्क एक्सपीरियंस का मीनिंग यह होंगे भी तुहाडी जिहड़ी सैलरी है बैंक अकाउंट के आती हो क्योंकि कनेडा गवर्नमेंट ने तुहाडी बैंक स्टेटमेंट चैक करनी है कि तुसीं डेफिनेटली उस जगह पर काम किया सी जां नहीं किया सी तो उत्थे तुहाडी बैंक स्टेटमेंट बोलती है तो तुसीं अपना यह प्रूफ नाल लैके जाना हुंदा है। इसनूं बोलते हैं पेड वर्क एक्सपीरियंस। तुसीं जनरल आईटी दे विचों 4 bands लए होने चाहिए हैं तो तुसीं रूलर कनेडा दे विच अप्लाई कर सकते हो। कनेडा दे विच रूलर एरिया उन्हूं बोलिया जाता है जिदा की आबादी घट है। उस तो बाद अगे है जी कनेडा की AIPP स्कीम तहत ये भी तुसीं IT पास की होनी चाहिए है अते आईलेट जनरल दे विचों 4 bands लए होने चाहिए हैं अते इंप्लायर वालों तुहानूं वर्क परमिट मिलिया होवे तो तुसीं उत्थे 18 months काम करके अपनी फाइल ईजली लगा सकते हो। उस तो बाद अगे है कनेडा स्किल्ड वर्कर्स ट्रेड कैटागरीज जी ट्रेड कैटागरी है स्किल्ड वर्कर की ये भी थोड़े को IT का सर्टिफिकेट होना चाहिए है कि थोड़े को 2 years का पेड वर्क एक्सपीरियंस हो आइलैंड जलन के 5 bands लाए होने चाहिए हैं अते कनेडा के किसी भी प्रोविंस का सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी थोड़े को हो कनेडा के भी किसी भी प्रोविंस का तो उस तो बाद जो CRS के स्कोर ने 350 के नेड़े होने चाहिए ने तो अपनी ईजली फाइल लगा सकते हो। उस तो बाद अगे है जी प्रोविंशियल PNB नॉमनी प्रोग्राम। कनेडा दिया काफ़ी प्रोविंसिज ने जिमें कि ओंटारियो एलबर्टा ब्रिटिश कोलंबिया मैनीटोबा और सस्कैचुअन यह अपने PNP प्रोग्राम रन कर रही ने तो इन भी अप्लाई कर सकते हो। उस तो बाद अगे है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट उधरों जा रहे हैं और प्लस टू तो बाद उसे 2 years की पढ़ाई करके 3 years का पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट लैके फिर भी उत्थे पक्के होने लई उन्हें औखियाई आती है दिक्कत आती है पक्के नहीं हो पा रहे तो वह स्टूडेंट 1 year का ट्रेड कोर्स करके ईजली उधर PR के योग हो जाते हैं तो PR लै सकते हैं।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ www.canada.ca 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈਜ਼ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9851 0148 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।